आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील, स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, या काफी सारे डाउट भी होंगे आपके इस लेक्चर से रिलेटेड, कि ये कोरोना वायरस जो है इसका टेस्ट कैसे होता है, बेसिकली मतलब प्रोसीजर क्या है टेस्ट का ये, और ये टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, आए दिन दुनिया भर में आप अब देख रहे होंगे, न्यूज में रोज पढ़ रहे होंगे कि इस देश ने इतने टेस्ट किए, उस देश ने इतने टेस्ट किए, भारत ने कितने किए। तो मैं आपको इसके अंदर सारा डेटा बताऊंगा, लेटेस्ट अपडेट बताऊंगा कि हमने कल 6 तारीख तक जो है कितने टेस्ट जो है वो कर लिए हैं, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर के अकॉर्डिंग कितने टेस्ट कर लिए, और कितने हमें और आगे जरूरत है आने वाले टाइम में। क्या हमारे पास में सच में कमी पड़ रही है टेस्टिंग की, दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट जो है किस देश ने किए हैं, और इस टेस्ट करने से बेसिकली क्या इफेक्ट होता है, और बेसिकली टेस्ट का प्रोसीजर क्या है कि ब्लड टेस्ट करते हैं तो कोरोना का पता लगता है, या बेसिकली क्या सैंपल लेते हैं बॉडी से जिससे कोरोना का जो है पता लग जाता है। तो इसके 4-5 टाइप के मेजर टेस्ट होते हैं, मैं आपको सारे बताऊंगा विद डायग्राम फोटो के इसके साथ ही बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियोस अपलोड की जाए उनका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। अगर आप इस पर्टिकुलर लेक्चर का जो है वो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील स्टार सर को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर चुके हैं वो। चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया भर में अभी तक के जो कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं। तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम तक मैं बता रहा हूं कि केसेस जो हैं वो इसके 13.5 लाख के आसपास जो है वो डेटा पहुंच चुका है दुनिया भर में अब, और 74,000 या 74,500 जो लोग हैं वो अब तक के लोगों की डेथ हो चुकी है। 2,78,156 लोग जो हैं वो रिकवर भी हुए हैं कोरोना वायरस से। और बात करूं दुनिया भर में मैं, तो दुनिया भर में अमेरिका जो है आपका, उसके पास में 3.5 लाख से भी ज्यादा केसेस हो चुके हैं अब कोरोना वायरस के पॉजिटिव। एक ही दिन में आप देखिएगा 26,000 से भी ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, 10,000 से भी ज्यादा, 11,000 के आसपास लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। स्पेन जो है नंबर 2 पे, इटली 3 पे, जर्मनी 4 पे, फिर फ्रांस 5 पे, चाइना 6 पे खिसक गया। चाइना में अब लगभग केसेस जो है वो 5 या 6, या मतलब 10 15 20 30, 5 6 तो लोगों की मौत हो रही है, 20 30 50 के आसपास पास ही जो है वो हर रोज नए केसेस देखने को मिल रहे हैं। तभी आप देखिएगा ये जो डेटा है लगभग 80 81 हजार से कांस्टेंट हो गया, और ये मौत वाला डेटा भी लगभग कांस्टेंट सा होता जा रहा है, कोई 2 या 3 4 लोग जो है वो लगभग मर रहे हैं। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ 3300 से 3300 31 लोग कई दिनों के बाद में जो है लोगों की डेथ हुई है, जो कि एक इतने बड़े देश के लिए नॉर्मल सी बात मानी जाएगी। ईरान, यूके और तुर्की, ये जो 3 देश है, ईरान, यूके और तुर्की, इन तीनों की स्थिति बड़ी गंभीर दिख रही है। क्यों गंभीर है? क्योंकि ईरान की अगर मैं बात करूं, तुर्की की, इनके केसेस देखिएगा आप लोग दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब ये वो दिन दूर नहीं है जब चाइना जो है खिसक के इन तीनों से नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये तीनों बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ यही हमारे प्यारे भारत की, तो भारत के अंदर लगभग जो केसेस हैं वो 4778 केस हो चुके हैं और 136 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे हरियाणा में सबसे सेंसिटिव फिलहाल के लिए पलवल जिला है अभी, ठीक है, हरियाणा में सबसे सेंसिटिव पलवल, और हरियाणा में लगभग लगभग जो है वो 110 जो है वो कोरोना पॉजिटिव या इससे भी ज्यादा जो है हो चुके हैं। 2 लोगों की मौत भी हुई है अभी रिसेंटली, ठीक है, तो काफी स्थिति चिंताजनक है। प्लीज आप बच के रहिएगा, सेफ रहिएगा, ठीक है, घर पे रहिएगा। महाराष्ट्र के अंदर 868 केसेस है, तमिलनाडु में 621 है, दिल्ली 525 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये टॉप 3, इवन जो तेलंगाना है, तेलंगाना स्टेट के मुख्यमंत्री ने तो स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि प्लीज ये लॉकडाउन जो है इसे एक्सटेंड कर दीजिएगा, क्योंकि इतने दिनों में जो स्थिति है ये कंट्रोल में नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग तो सीखते हैं इस चीज को कि टेस्टिंग ट्रीटमेंट इज फ्री फॉर आयुष्मान भारत बेनिफिशियर्स, एक करंट अफेयर है, लेटेस्ट करंट अफेयर है सरकार की तरफ से। क्या कहा है, जो आयुष्मान भारत योजना के तहत आते हैं उनके लिए कोरोना वायरस की टेस्टिंग भी फ्री होगी और उनका पूरा ट्रीटमेंट है वो भी फ्री होगा।
पूरे भारत भर में लो है लगभग 50 करोड़ लोग जो हैं वो इस आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत कनेक्ट हो रखे हैं। तो उन लोगों को ये टेस्टिंग उन कोरोना वायरस की जो लगभग लगभग पड़ जाती है इसकी, अभी तक की मैं बात कर रहा हूं तो टेस्टिंग किट विदेश से मंगवा रहे हैं हम लोग, तो 4500 के आसपास जो है इसकी टेस्टिंग किट का खर्चा, बाकी जो वेंटिलेटर पे रखना और मतलब ट्रीटमेंट होता है ये सारा कुछ फ्री होगा अगर जो आयुष्मान भारत बेनिफिशियरी है। तो ये रीसेंट एक न्यूज़ है जो आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना या PMJY योजना के तहत ये एक न्यूज़ आई है। अब आगे बढ़ते हैं तो कोरोना से जूझते देशों की बात करता हूं, तो भारत, पाकिस्तान और इंडोनेशिया में दुनिया की 25% आबादी रहती है, फिर भी यहां पे सबसे कम टेस्ट किए गए हैं। देखो दुनिया की 25% आबादी रहना एक बहुत बड़ी बात है, और उसमें से अगर टेस्टिंग की बात की जा रही है तो लगभग सबसे कम देखने को मिले हैं यहाँ पे। देखो WHO का टेस्टिंग का मेजरमेंट क्या है, क्या कहता है WHO? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या कहता है, इनका कहना ये है कि हर 10 लाख लोगों में से 15,000 लोगों का टेस्ट किया जाना जरूरी है। 10 लाख लोग अगर हैं तो उसमें से कम 15,000 लोगों का टेस्ट होना जरूरी है। ये बात कही किसने है, ये बात कही है WHO के महानिदेशक जिनका नाम है टेड्रोस अदानोम गेब्रेयस, ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, टेड्रोस अदानोम ने कहा है ये बात। और भारत में जो ये डेटा है ये 1 अप्रैल के डेटा की बात कर रहा हूं मैं, 6 अप्रैल तक का भी लेटेस्ट दिखाऊंगा आपको मैं, 1 अप्रैल तक लगभग 75,000 टेस्ट हुए थे, मतलब 10 लाख लोगों में केवल 66 लोगों का ही टेस्ट हुआ है। तो आप सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा कि भारत की स्थिति अभी भी वर्तमान में बड़ी ही चिंताजनक है, जहां देखो आप WHO का मेजरमेंट है कि 10 लाख में से 15,000 का टेस्ट होना चाहिए, लेकिन हमारे पास में 10 लाख में से 66 लोगों का ही टेस्ट है। आप एज एन एवरेज मान लीजिएगा, डेट खैर टेस्ट अभी आज 6 तारीख तक 7 तारीख तक बढ़ चुके हैं, तो आप एवरेज लगा लीजिएगा 70 लोगों का टेस्ट हो रहा है 10 लाख पे, जो कि बहुत कम नहीं, बहुत 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 कम है। तो ये स्थिति वास्तव में चिंताजनक है। और हमारे इन 3 देशों में आबादी भी बहुत ज्यादा है, इंडिया की तो इवन आबादी 130 करोड़ है या उससे भी थोड़ी ज्यादा। अब इंडोनेशिया में जब टेस्ट हुआ तो पता ये लगाया गया कि टेस्ट करवाने में से 22% लोग जो है वो पॉजिटिव मिले, और ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर 100% आप टेस्ट करते हो, 100% में से 22% लोग ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव मिले कोरोना वायरस के। अच्छा जी, आगे अगर जानते हैं हम लोग तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो टेस्ट हुए हैं ना अब तक वो हुए हैं अमेरिका के अंदर, 13.5 लाख जो है टेस्ट हो चुके हैं, इससे भी ज्यादा आप 14 लाख का डेटा तक कह सकते हैं ये। और टेस्टिंग से जितने भी लोग गुजरे हैं WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें, जितने भी लोगों ने टेस्ट करवाया है वो डेटा है 3 से 12% लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। देखो टेस्ट होना जरूरी ही इसीलिए ही है क्योंकि बहुत बार तो इसके सिम्टम भी नहीं पता लगते हैं, तो सिम्टम पता नहीं लगते हैं वो सुपर स्प्रेडर होते हैं एक टाइप के, तो इसी वजह से टेस्टिंग होना बेहद जरूरी है। इंडोनेशिया में टेस्ट करवाने में 22% अकेला इंडोनेशिया ही है जिसमें 22% लोग जो पॉजिटिव मिले, और ईरान जैसा गरीब देश है यहाँ पे तो अभी स्थिति और ही बहुत ज्यादा जो है वो खतरनाक है, क्योंकि मामले आप देखिएगा साढ़े मतलब अभी आपको मैंने दिखाया है हजारों पे, 70-80 हजार के आसपास जो है वो धीरे धीरे इसके रेट्स बढ़ चुके हैं लोगों के कोरोना पॉजिटिव के। और दूसरी बात ये भी देखी जा रही है कि अगर ईरान का ज्यादा इफेक्टेड होता है तो ईरान कोई हमसे कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, भारत तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करता है ये। चलिए तो आगे की बात ये कि दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट हुए हैं अमेरिका में, अगर मैं बात करता हूँ नंबर्स की तो अमेरिका के अंदर अभी बात हमने जाना ही है लगभग 13.5 लाख 14 लाख के आसपास डेटा पहुंच चुका है। हर 10 लाख लोगों में से होना तो 15,000 चाहिए, लेकिन यहाँ पे लगभग 4100 के आसपास ही कम है, हालांकि कम तो हर एक देश में ही है अभी तक। इवन अमेरिका ने तो अपने टेस्टिंग के लिए ही अलग से 50,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है हेल्थ के लिए, मतलब यूं समझिएगा अमेरिका ने 50,000 करोड़ रुपए अलग से निकाल के रख दिए इसी कोरोना वायरस के लिए ही। स्पेन ने जहां पे लगभग आपके जो है 3.5 लाख के आसपास टेस्ट किए हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, अच्छी बात भी है ये। इटली, जर्मनी और ये दोनों देश जो है फिलहाल के लिए काफी अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, क्योंकि 10 लाख पे कम से कम 15,000 का होना चाहिए, लेकिन ये मतलब उतने भी कमजोर नहीं है, 10 लगभग 11-11 हजार के आसपास टेस्ट जो है कर चुके हैं। फिर फ्रांस की बारी आती है, ठीक है,
और यूके की भी बात करूं तो यूके अभी फिलहाल के लिए टॉप में चल रहा है टेस्टिंग के मेजरमेंट में, 10 लाख पे 15 हजार के आसपास होना चाहिए, तो ये लगभग लगभग 14 हजार के आसपास जो है पहुंच चुका है 6 अप्रैल तक आपका, और ये आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर इस मेजरमेंट को जो है पूरा कर लेगा। और जनवरी से लेके अब तक लगभग इसने 2 लाख से भी जो ज्यादा है आपका, सॉरी मतलब इसने जो डेटा जो है आपका 20 लाख जो है, 20 लाख टेस्ट जो है ये कर चुका है, 20,08,800 टेस्ट जो है ये कर चुका है अब तक के टाइम में। और ये दुनिया का डेटा मैं बात करता हूं तो इटली है, साउथ कोरिया है, यूएस है, यूके है, ठीक है, ये टॉप कंट्री है जहां पे आपके सबसे ज्यादा टेस्ट हुए हैं। साउथ कोरिया एक नाम बड़ा ही आपने सुना होगा, छोटा सा है, भारत के मुकाबले काफी छोटा है, लेकिन इतने केसेस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग बहुत ज्यादा हुई है, बल्क में हुई है टेस्टिंग यहाँ पे। दक्षिण एशिया में दक्षिण कोरिया जो है आपका, यहाँ पे सबसे ज्यादा टेस्ट हुई है, टेस्ट होने की वजह से ही जो है यहाँ पे जो है इफेक्ट नहीं मिला। देखो आप खुद देखिएगा, 4.5 लाख टेस्ट कर चुका है ये अब तक, 10 लाख पे लगभग 8,500 या 9,000 के आसपास टेस्ट कर चुका है ये। ईरान के अंदर भी काफी अच्छे हुआ है टेस्ट, मेजरमेंट गया अच्छा। भारत के अंदर काफी कम है ये, ठीक है, भारत के अंदर काफी कम है, इवन हमसे तो अच्छा पाकिस्तान भी है, हमसे तो अच्छा, ठीक है, तो इसको से थोड़ा बहुत हमें सीखना ही चाहिए इस बात में देखा जाए तो। अब कोरोना वायरस की टेस्टिंग किट की बारे में अगर बात की जाए तो देखो टेस्टिंग किट जो है, टेस्टिंग किट से बताने से पहले मैं बताता हूँ, देखो 4 अप्रैल तक हमने जो टेस्ट किए थे आईसीएमआर के अकॉर्डिंग लगभग 80 हजार हमने टेस्ट कर चुके थे, और ये कल ही की तारीख, कल 6 अप्रैल रात को 9 बजे तक हमने जो है 1 लाख से ऊपर जो है वो डेटा क्रॉस कर दिया है। खैर अच्छी बात है ये कि हमने 1 लाख से ऊपर का डेटा क्रॉस कर दिया, और आने वाले दिनों में आईसीएमआर का कहना है कि हम जो है इससे और भी ज्यादा करेंगे, लेकिन फिर भी मानता हूँ ये काफी कम है। अब तक हमें जो है इस टेस्ट के रेट को कम से कम 2 लाख के पार पहुंचा देना चाहिए था, ठीक है, तभी पता लगता, तो ये एक बड़ी संभावना है कि अगर टेस्ट बढ़ गए तो कोरोना के केसेस भी ज्यादा मिलेंगे। अमेरिका में कोरोना केसेस ज्यादा होने का रीजन एक ये भी है कि वहां पे नंबर ऑफ टेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अब इंडिया में प्राइवेट, अगर भारत में बात करता हूं वैसे टेस्टिंग की, तो लास्ट पिछले ही अभी फ्राइडे को ना, आपके फ्राइडे को इसकी घोषणा, गुरुवार यानी कि आपका थर्सडे फ्राइडे के दौरान ही भारत में 2 प्राइवेट लैब को कोरोना वायरस टेस्टिंग किट बनाने की मंजूरी दी थी आईसीएमआर ने। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले किसी पेपर के लिए भी। इस लैब का नाम है माई लैब डिस्कवरी, ठीक है, ये ऐसी पहली फर्म है जिसको टेस्टिंग और बिक्री के लिए अनुमति मिली है, और प्रत्येक 100 किट से सैंपलों की जांच जो है इसमें हो सकती है, माई लैब इसका नाम है। ये क्यों जरूरी है, क्यों इतनी सस्ती है, क्योंकि देखो विदेशों से अगर हम मंगवा रहे थे वो किट थी 4,500 रुपए की, लेकिन ये किट केवल 1,200 रुपए की है। इसको बनाया किसने है, इसको बनाया है मिनल दखावे भोसले ने, ठीक है, मिनल दखावे भोसले ने बनाया। इनका कहना ये है कि विदेशों से जो किट मंगवाते हैं उसमें 6 से 7 घंटे लग जाते हैं टेस्टिंग के में, लेकिन ये केवल 2.5 घंटे में ही टेस्ट कर देगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर, हमारे सभी पेपरों के लिए, ठीक है। बनाया है मिनल दखावे ने, इस टेस्ट लैब का नाम क्या है, लैब का नाम आपका माई लैब डिस्कवरी लैब है। कहाँ की लैब है याद रखिएगा, पुणे की लैब है ये, ठीक है, पुणे की लैब है ये, और भारत की ऐसी पहली लैब है जिसे आईसीएमआर ने ऑफिशियली कहा कि तुम बेच सकते हो, ये किट तैयार भी कर सकते हो। मिनल दिखावे ये फोटो में दिखाई दे रही होगी। इंटरेस्ट बात बात ये कि इन्होंने अगले ही दिन एक कन्या को भी जन्म दिया था, मतलब ये प्रेग्नेंट थी और उस सिचुएशंस में भी ये देश के लिए जो है वो काम कर रही थी। क्या है भारत की चुनौती, है भारत के लिए वास्तव में चुनौती देखिएगा सबसे बड़ी यही है कि भारत की पूर्व स्वास्थ्य सचिव सुजाता राव ये कहती है कि छोटा सा देश है दक्षिण कोरिया, जहां पे वायरस टेस्टिंग की जो लैब है वो 650 लैब है, लेकिन हमारे यहाँ पे कितनी है, हमारे यहाँ पे है 118 सरकारी लैब है, और हाल ही में 50 और प्राइवेट लैब को जो है वो मंजूरी देने के लिए सरकारी अधिकारियों ने फैसला लिया है, लेकिन ये भी काफी कम पड़ जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा लैब होगी उतनी ज्यादा तो टेस्ट बस पॉसिबल हो पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में 130 करोड़ की आबादी है, उनके आगे क्या ये 118 130 है। ये वो मैप है जहां जहां पे जो है टेस्टिंग की लैब है,
अगर बात करते हैं अप्रूव्ड आईसीएमआर की 132 है, और ये आपकी जो लेबोरेटरीज है गवर्नमेंट कोविड 19 की अभी जो अप्रूव कर रही है आईसीएमआर के थ्रू, 5 और है। प्राइवेट लेबोरेटरीज 56 है, सिटीज के अंदर जो है आपकी साइट्स वो केवल 3 है, तो काफी कम जो है लैब है फिलहाल के लिए हमारे पास में। चलिए अब हमारे मुद्दे पे ये आते हैं हम लोग कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग ए कोरोना वायरस टेस्ट, कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग के दौरान वास्तव में होता क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले इसके अंदर एक टेस्ट किया जाता है स्वाब टेस्ट। मैं आपको पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोरोना वायरस एक मल्टीपल वायरस है, ये होना तुरंत पता नहीं लग सकता। मान लेते हैं कि कोरोना ऐसा नहीं कि पहला टेस्ट हुआ तो हो सकता है उसमें नेगेटिव आए, लेकिन थोड़े दिनों के बाद दूसरा टेस्ट किया तो उसमें पॉजिटिव दिखाया जा सकता है, पहला पॉजिटिव थोड़े दिनों के बाद में नेगेटिव, तो ये बड़ा खेल खेलता है, छलिया टाइप का एक वायरस है ये। इस स्वाब टेस्ट में क्या होता है, एक इस टाइप का को जो है आपका स्पेशल कॉटन से रिलेटेड आपकी जो एक स्टिक होती है वो मुंह में डाली जाती है, और मुंह के अंदर जो स्लाइवा होता है या तो मुंह से या गले से या नाक से, इनका कहीं से लिक्विड या मुंह के अंदर से लार या स्लाइवा जो होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, और उसमें से पता लगाया जाता है कि जो कोरोना पॉजिटिव है या वो नहीं है। एक नेसल एस्पिराइट टेस्ट भी होता है, इसमें क्या होता है नाक के अंदर एक सलीन सॉल्यूशन जो है वो डाला जाता है नाक के अंदर या गले के अंदर, और फिर उस सॉल्यूशन को बाहर निकाला जाता है, और फिर सॉल्यूशन से पता लगाया जाता है, चेक किया जाता है क्या ये कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। एक होता है ट्रेक्चल एस्पिराइट, ये टेस्ट सबसे मुश्किल टेस्ट माना जाएगा, यूं समझिएगा। इसके अंदर एक पतली सी ट्यूब होती है, पाइप सी होती है, जो मुंह के थ्रू गले के अंदर से होकर फेफड़ों तक डाली जाती है, क्योंकि देखो ये वायरस इफेक्ट करता है गले को या फेफड़ों को, तो ये टेस्ट भी वहीं से ही लिया जाएगा, इसके मेजरमेंट भी वहीं से होंगे। एक ट्यूब ऐसी ऐसी डाली जाएगी, आपको फोटो में दिख रही होगी, यहां से फिर कैमरा के थ्रू डॉक्टर लोग देख भी सकते हैं कि अंदर वास्तव में म्यूकस जो है वो कैसी है, सलेश्मा झिल्ली कैसी है, क्या मतलब जो है इंपैक्ट हो पड़ा है उनके ऊपर, और वहां से कुछ म्यूकस वगैरह कलेक्ट किए जाते हैं और फिर ये टेस्ट किया जाता है। इसमें हल्का पेन भी होता है, ठीक है। और एक स्पॉटम टेस्ट भी होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली जो बलगम होता है, आपने बलगम देखा होगा, तो अंदर तक का बलगम जो है कलेक्ट किया जाता है, उस बलगम से टेस्ट किया जाता है, ये कफ जिसको बोलते हो आप लोग, कफ को कलेक्ट करके और फिर टेस्ट किया जाता है। एक ब्लड टेस्ट भी है, लेकिन ये इतना जो है कारगर नहीं है, इतना अच्छा मतलब नहीं है या इतना रिलायबल नहीं है, ये तो सिंपल ही चीजों में टेस्ट करे तो ठीक है, लेकिन किया तो ब्लड टेस्ट लिया तो जाता ही है, लेकिन इतना रिलायबल है नहीं है कोरोना पॉजिटिव को देखते के लिए। एक आप मुझसे पूछेंगे सर ये एक मशीन भी हमने देखी होगी हर जगह टेस्टिंग करने के लिए, देखिएगा इसको हम लोग कहते हैं टच फ्री थर्मल थर्मामीटर एक प्रकार का, ये बेसिक मशीन है स्क्रीनिंग करने के लिए, ये तो केवल और केवल पता लगाने के लिए कि उसको कोई फ्लू है कि नहीं है, बॉडी का टेम्परेचर तो ठीक है ना, नॉर्मली खांसी जुखाम तो नहीं है ना, उनको चेक करने के लिए ये करना भी जरूरी है। अगर जैसे आपने रेलवे स्टेशन हॉस्पिटल्स वगैरह में स्क्रीनिंग की जाती है, ये सस्पेक्टेड केस आते हैं ना आपके आगे, आपने सुना होगा न्यूज में इतने सस्पेक्टेड है, इतने सस्पेक्टेड है, तो जिनका भी बॉडी का टेम्परेचर अप एंड डाउन है, इनको खांसी जुखाम वगैरह, तो इस टच फ्री थर्मामीटर से चेक करके उन्हीं को सस्पेक्टेड में डाला जाता है, ताकि उनसे पता लगाया जाता है कि उनको कोरोना है या नहीं है। कोरोना वायरस की टेस्टिंग व्हाई इट मैटर्स, वो जरूरी क्यों है इतनी, देखो जरूरी इसलिए है सबसे पहले दो कारणों के लिए। एक तो है कि टू डायग्नोज देम इंडिविजुअली, मतलब प्रत्येक लोगों को पता लगाया जा सके कि कितने लोग अभी जो है कोरोना पॉजिटिव है, और दूसरी बात कि अगर पता लग गया तो उनको ठीक करने से भी रोका जा सकता है, फैले ना आगे, ये भी एक सबसे बड़ा जरूरी है। कि कई बार क्या होता है कि खुद को लक्षण नहीं पता लगते, सिम्टम नहीं पता लगते, फिर भी वो इधर उधर घूम रहा होता है और कई दिनों के बाद उसके सिम्टम आएंगे, इस करके कोरोना टेस्टिंग बहुत जरूरी है। और क्या है कि टेस्टिंग कुड ऑल्सो इन्फॉर्म डिसीजन अराउंड द सोशल डिस्टेंसिंग मेजर, ये भी पता लगाया जाता है कि लॉकडाउन कितने दिन रखना है, सोशल डिस्टेंस रखें कितने दिन ना रखें। अभी मान लेते हैं लार्ज नंबर पे अगर टेस्टिंग हो रही होती तो पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं पॉजिटिव कितने नहीं है, अगर टेस्टिंग हो ही नहीं रही है तो दबे पड़े हैं मरीज, तो ठीक है, तो इसीलिए जो है ये चीजें जरूरी है। तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, ठीक है। ये काफी मेहनत से बच्चा आर्टिकल तैयार किए जाते हैं, तो आप उसे शेयर करने में कोताही मत करिएगा, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा ताकि टीचर्स का भी हौसला भी हो। थैंक यू सो मच।